हेलो डियर पेरेंट्स, क्या आपके बच्चे दुबले पतले कमज़ोर हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है? तो ये रेसिपी आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। यकीन मानिए, इसे आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेकर खाएगा, बच्चे का वज़न बढ़ेगा और ये रेसिपी स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर ब्रेकफास्ट या फिर लंच टाइम में दे सकते हैं। तो फिर आइए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए गैस पर, ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 3 छोटे चम्मच, मैंने प्लेन ओट्स लिए हैं, इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इतनी ही क्वांटिटी में मैंने दूध लिया है, इसे भी डाल देंगे। और अब हम सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही सभी चीज़ें मिक्स हो जाएगी तब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और अब इसे हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और बीच बीच में चम्मच चलाकर इसे चेक करते रहेंगे जिससे कि तले पर ना लगे। तो ये देखिए फूड को पकाते हुए मुझे 2 मिनट के ऊपर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी पकना भी शुरू हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर, इसे डाल देंगे। और इसी के साथ अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 छोटा चम्मच मिश्री पाउडर, आप चाहे तो मिश्री पाउडर की जगह जैगरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। डाल देंगे इसे कढ़ाई में और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे इसी तरह से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसे हम पका लेते हैं। तो ये देखिए फूड को पकाते हुए टोटल मुझे 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छा सा गाढ़ापन इसमें आ गया है। तो अगर आपको ये फूड थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हल्का सा ठंडा होने पर इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से फूड आप बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। थोड़ा सा इसे और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें बनाना मैश करके ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें स्ट्रॉबेरी भी मिला सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा और ये बच्चों को स्वाद में काफ़ी पसंद आएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।